जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 30 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप 2018 से लगाए 2020 तक के सारे PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और साथ में आपको वीडियोस के भी लिंक मिल जाएंगे। वीडियो को देख के पूरे तथ्यों को आप आराम से डिटेल में समझ सकते हैं। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि NSG कमांडो के द्वारा कब से कब तक गांडीव नाम का एक वार्षिक अभ्यास जो है उसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो देखिए, गांडीव का जो आयोजन है ये 22 अगस्त से 28 अगस्त तक किया गया था। देखिए, जो आपका NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है, तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो है इसके द्वारा इस अभ्यास का जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR के कई शहरों में किया गया था। और देखिए, इस अभ्यास का जो उद्देश्य है यह है आतंकवादी हमले या फिर किसी भी विमान के अपहरण या बंधक स्थिति में कमांडो के बल के योजना मापदंडों को मान्य करना। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई प्लेन हाईजैक हो गया या फिर किसी होटल में आतंकियों ने कब्जा कर लिया, तो इन्हीं सबको कैसे, मतलब इनसे निपटा जाए, NSG कमांडो इनसे कैसे निपटे, तो इसी के लिए ये अभ्यास था, गांडीव अभ्यास। देखिए, गांडीव तो वैसे एक धनुष का नाम था जिसका जो यूज़ कौन करते थे, अर्जुन करते थे, ठीक है, तो अर्जुन गांडीव धनुष को यूज़ करते थे, वहीं से ये गांडीव शब्द लिया गया है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो देखिए, NSG जो आपका है इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मैं आपको बता दूँ, सबसे अधिक पूछे जाने वाली योजना है, ये कब लॉन्च की गई थी, तो इसको शुरू किया गया था 15 अगस्त 2014 को। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जब पहली बार सरकार बनी थी 2014 में, तो इन्होंने इस योजना को स्टार्ट किया था और उस समय इस योजना का बहुत ज़्यादा क्रेज था, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को। देखिए, इसके बारे में एक आंकड़ा रिलीज हुआ है कि अब तक कितने जनधन खाते खोले गए। देखिए, समय समय पर जो भारत का वित्त मंत्रालय है ये नए नए आंकड़े प्रस्तुत करता रहता है कि अब तक जो है कितने खाते खोले गए, और वो आंकड़ा जो है मतलब एक निश्चित समय तक पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो मेरे पास जो आंकड़ा है ये 18 अगस्त 2021 तक का है। देखिए, वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 18 अगस्त 2021 तक बैंक खातों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 43 करोड़ हो गई है, यानी कि वर्तमान में 43 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए हैं, ठीक है, और इन 43 करोड़ बैंक अकाउंट्स में जो कुल जमा है वर्तमान में ये आपकी है 1.46 लाख करोड़ रुपए। तो देखिए, ये डेट वाइज आंकड़ा याद रखिएगा कि 18 अगस्त 2021 तक जो जनधन खाते हैं इनकी संख्या कितनी हो गई और इसमें कुल कितना जमा राशि है, ये मैंने आपको बता दिया है, कर्तव्य आपका है इसको याद रखना। देखिए, ये सभी आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं एग्जाम के समय। देखिए, मेरे साथ भी दिक्कत थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था मेरे समय में, हम जो है दैनिक जागरण, अमर उजाला पढ़ के जाते थे, उसमें बस यही निकलता था कि फलाने जगह कोई बच्चा डूब के मर गया या फिर वहाँ चोरी हो गई या फिर किसी महिला का चैन छीन लिया, तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते, मतलब निरर्थक प्रश्न है। देखिए, इन प्रश्नों का महत्व तो है लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी महत्व नहीं है, वो कूड़ा करकट है। असली न्यूज़ तो छपती है द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में और PIB में, मतलब ये जो अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, ठीक है, तो वहाँ से मैं आपके लिए ये न्यूज़ कलेक्ट करके लाता हूँ और यही इसलिए एग्ज़ाम में 100% जो पूछे जाने वाले न्यूज़ हैं तो एग्ज़ाम में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये आंकड़े आपको अमर उजाला में, दैनिक जागरण में और अच्छे अच्छे जो हिंदी न्यूज़पेपर हैं उसमें कभी नहीं मिलेंगे कि किस तारीख तक क्या कैसा रहा, ठीक है, तो उसमें खाली बकवास की न्यूज़ छपती है। यहाँ पे मैं आपको 4 घंटे लगभग मेहनत करता हूँ तब पूरी जो है PDF टाइप होती है और 4 घंटे पसीना बहाने के बाद ये PDF तैयार होती है, उसके बाद वीडियो को बनाने में समय लगता है। तो 5 घंटे लगभग मैं डेली आपके लिए मेहनत करता हूँ, क्यों, ताकि आप जो है आने वाली परीक्षा में 100% स्कोर कर सके करंट अफेयर में। तो ये काम देखिए, जितने मैं आपको चीज़ें देता हूँ जिम्मेदारी से उसको याद किया कीजिए,
मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन खातों की। देखिए वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जनधन खाता है, ठीक है, तो इनकी एग्जैक्ट संख्या कितनी है, मैंने आपको बताया 43 करोड़, लेकिन एग्जैक्ट संख्या है 43.04 करोड़। ये राउंड फिगर में आंकड़ा है, ये कंप्लीट आंकड़ा है। और देखिए इन 43.04 करोड़ जनधन खातों में, ठीक है, कुल 23.87 करोड़ यानी कि लगभग 55.47 करोड़ खाता धारक जो है वो महिलाएं हैं, ठीक है, यानी कि महिला खाता धारकों की संख्या है अधिक है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। और एक खास आंकड़ा और याद रखना है, देखिए जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और अगर आप फॉर्मेटिक करते हैं कि मुझे डेबिट कार्ड भी चाहिए यानी कि एटीएम कार्ड भी चाहिए, तो देखिए एटीएम कार्ड बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे रुपे हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया। तो रुपे जो है उसकी बात करें, देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है जो फॉर्म भरते समय डिमांड करता है कि मुझे भैया एटीएम कार्ड भी चाहिए। तो अब जो है जो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता धारक हैं, ठीक है, तो इस योजना के खाता धारकों को जारी रुपे कार्ड जो है अब बढ़कर कितना हो गया है 31.23 करोड़। इसको याद रखिएगा, ये सारे आंकड़े बहुत ही प्रेसियस, बहुत ही कीमती, बहुत ही अनमोल हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड देश के सशस्त्र बलों का शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नाम का बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किस देश में आयोजित होगा। तो देखिए ये महीना अगस्त वाला ख़त्म होने वाला है और अगले महीने में चीन में जो है, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच में शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नाम का एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास जो है किया जाएगा। और इस अभ्यास का जो आयोजन है ये चीन में सितंबर 2021 के महीने में होगा यानी कि अगले महीने में। और इसका जो आयोजन है ये चीन के हेनान के क्वेशान काउंटी में किया जाएगा। और इस अभ्यास में जो ये चार देश हैं, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड, ठीक है, तो इन सभी चार देशों के 1000 से अधिक सैनिक भाग लेंगे, जिसमें पैदल सेना, तेज प्रतिक्रिया, सुरक्षा, हेलीकॉप्टर, इंजीनियरिंग, परिवहन और चिकित्सा सेवाओं की इकाइयां शामिल होंगी। चौथा प्रश्न है कि एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक को लिखा है केजे अल्फोंस ने। देखिए जो अभी केजे अल्फोंस है, ये चर्चित नाम है, ये भारत के पूर्व संस्कृति और पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार रह चुके हैं और इनके द्वारा बिहाली में इस एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक को जो है लिखा गया है और लॉन्च भी किया गया। ये पुस्तक जो है ये प्रधानमंत्री मोदी की सुधार यात्रा के सभी क्षेत्रों में बात करती है कि उन्होंने किन किन क्षेत्रों में सुधार किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। तो देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अंतरिम CEO बनाया गया है कैरल फर्टाडो को, ठीक है, तो कैरल फर्टाडो बन गए हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम CEO, ठीक है। देखिए इनकी जो नियुक्ति है ये भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है और जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। संस्थापक इसके हैं समित घोष और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2004 को की गई थी। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय बैंक संघ के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो देखिए अंतिम आहरित का मतलब क्या हो गया। देखिए कोई व्यक्ति अगर जिंदगी भर नौकरी करता है और अगर वो रिटायर होने के करीब है, जिस महीने में वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो उस महीने में उसको कितना वेतन मिला, तो वही हो गया अंतिम आहरित वेतन। तो उसी के टोटल 30% तक जो है बढ़ाने का जो है प्रस्ताव को अभी अली में मंजूरी मिली है। फिर से सुनिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय बैंक संघ के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के टोटल 30% जो है बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इस अनुमोदन के तत्काल लाभ के रूप में जो मृत बैंक कर्मचारी होंगे उनके अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में अधिकतम 9,284 रुपये प्रतिमाह से 30,000 रुपये से 35,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसको याद रखिएगा। देखिए भारतीय बैंक संघ की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं राज किरण रायजी और इसके CEO हैं सुनील मेहता, मुख्यालय इसका है मुंबई में और भारतीय बैंक संघ की स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। आज आपको एक आंसर बताना है कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो उसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, ठीक है, और गवर्नर का नाम तो बताना है लेकिन वो किस क्रम के गवर्नर है ये भी बताना है क्योंकि ये क्रम एग्जाम में पूछा गया था
और मैंने मुझे लगता है कि हर महीने लगभग 4 से 5 बार तो मैं बोल ही देता हूँ कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है और वो किस क्रम का गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, तो जितनी डिटेल पता है कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। सातवां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया, तो देखिए ये प्लेस आपका है कुबिंका एयरबेस और अल्बिनो। आपको बता दूं ये कुबिंका एयरबेस और अल्बिनो है, ठीक है, ये आपका रूस के मास्को में स्थित है और वहाँ पे एक प्लेस और है पैट्रियट एक्सपो सैन्य प्रशिक्षण मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो आयोजन है ये किया गया 22 से 28 अगस्त 2021 तक। देखिए भारत ने भी इस एक्सपो में भाग लिया था, यानी कि इस प्रदर्शनी में भाग लिया था। देखिए आर्मी 2021 जो है ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम है और ये इसका इस साल 7वां संस्करण था जो आयोजित किया गया था हाल ही में। और ये फोरम पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के द्वारा। 8वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज़ 4.0 का अनावरण किया गया, तो देखिए ईज़ 4.0 का जो अनावरण है इसका इसको किया निर्मला सीतारमण ने, जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री हैं। देखिए ईज़ 4.0 का प्रमुख विषय था प्रौद्योगिकी सक्षम यानी कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सरलीकृत यानी कि सिंप्लीफाइड और सहयोगी बैंकिंग यानी कि कोलेबरेटिव बैंकिंग। इसको याद रखिएगा, याद रखना एक लाइन में कि अभी हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज़ 4.0 का अनावरण किया था। देखिए ईज़ का मतलब क्या है, ईज़ का मतलब इसमें है इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, तो ईज़ का मतलब क्या है, इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, और इसका ये 4.0 वर्जन था। 9वां प्रश्न की हाल ही में भारत सरकार ने नए वाहनों के लिए किस नाम से एक नया पंजीकृत चिन्ह यानी कि रजिस्ट्रेशन पेश किया, तो देखिए रजिस्ट्रेशन मार्क आपका है भारत सीरीज। देखिए अगर आप दिल्ली में होंगे तो आपका जो नंबर प्लेट होगा गाड़ी का वो DL से स्टार्ट होगा, उत्तर प्रदेश में होंगे तो UP से स्टार्ट होता है, झारखंड में होंगे तो शायद झारखंड का JH है। ठीक है, झारखंड से जो लोग हैं कन्फर्म करें, झारखंड का JH है, BR का शायद BR है, ठीक है, बिहार का BR है, तो ऐसे लिखा होता है UP 53, UP 54, UP 55 या फिर DL 3C फलाने ढिकाने चिलाने। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर प्लेट होते हैं। और होता क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ होती है, अगर हम दिल्ली में गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस पर DL लिखा होगा, उसको जब हम यूपी में लेकर आएंगे तो बहुत चेकिंग वगैरह होती है कि भैया तुम दिल्ली की गाड़ी लेकर यूपी में क्या कर रहे हो, तुम आतंकवादी तो नहीं हो, तुम्हारा पहले हम चेकिंग करते हैं, तो आपकी चेकिंग करने के बाद पुलिस वाले आपको छोड़ देते हैं, फिर परेशान करते हैं, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि भैया थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन हम सेकेंड हैंड गाड़ी लेंगे तो अपने ही जिले की लेंगे, अपने राज्य की लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इस समस्या का निस्तारण कर दिया है भारत सरकार ने। अब जो ये भारत सीरीज की जो नई नंबर प्लेट बनेगी, ठीक है, तो ये आपका जो है इसका रजिस्ट्रेशन BH से होगा, BH मतलब भारत, ये पूरे भारत के लिए होगा। होता क्या है, देखिए बहुत सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग सरकारी टीचर हैं केंद्रीय विद्यालयों में, उनका घर तो है उत्तर प्रदेश में लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं झारखंड छत्तीसगढ़ मेरठ सॉरी झारखंड छत्तीसगढ़ या फिर किसी अन्य राज्य में, तो वो क्या करते हैं, अगर वो कार खरीदते हैं मान लीजिए यूपी की कार है तो यूपी लिखा होगा, यूपी अगर गोरखपुर का है तो UP 53 लिखा होगा। ठीक है, तो UP 53 वाली कार अगर ये लेके झारखंड में जाएंगे तो वहाँ चेकिंग वगैरह होगा, परेशान होंगी उनको, लेकिन अब उनके लिए सुविधा है कि भारत सरकार ने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए जो इस प्रकार की नौकरी करते हैं उनके लिए अब जो है BH से जो है रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियाँ लॉन्च होगी, मतलब उनको BH रजिस्ट्रेशन से जो है नंबर प्लेट दिया जाएगा ताकि उनको पूरे भारत में ले जाने का इसको परमिट मिल जाए, उनको कोई भी चेकिंग वेकिंग का जो है सामना ना करना पड़े। तो नई नंबर प्लेट जो है ये BH यानी कि भारत सीरीज से होगी। देखिए अभी दूसरे राज्यों में बिना रजिस्ट्रेशन कराए अधिकतम 12 महीने तक वाहन रखने की अनुमति है और इसके बाद आपको संबंधित राज्य में अपनी गाड़ी का पंजीकरण करवाना पड़ता है। देखिए BH सीरीज शुरू होने के बाद ऐसे लोगों को राहत की सांस मिलेगी जिनका एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाता है और उन्हें दोबारा अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अब नहीं कराना पड़ेगा अगर आपके पास BH सीरीज की ये नंबर प्लेट है। देखिए जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो इस पंजीकरण चिन्ह वाले यानी कि BH पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन को किसी नए पंजीकरण चिन्ह की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी नियम कानून नहीं अप्लाई होगा और इस श्रृंखला के तहत वाहन पंजीकरण सुविधा किसके लिए होगी, रक्षा कर्मियों के लिए यानी कि जो डिफेंस में काम करने वाले आर्मी के या फिर पैरामिलिट्री के लोग हैं उनके लिए,
या फिर केंद्र या फिर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, या फिर केंद्र या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या फिर संगठनों के लिए स्वैच्छिक आधार पर ये उपलब्ध होगा जिनके कार्यालय 4 या फिर अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए हीरो कंपनी हो गई, तो हीरो कंपनी का जो उसका अगर ब्रांच जो है ये 4 से अधिक राज्यों में है, तो उनके कर्मचारियों के लिए ये आपका BS सीरीज का नंबर प्लेट जारी होगा। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी है उसके लिए भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जो आपका मान लीजिए CRPF हो गया, तो CRPF के बहुत सारे कैंप बहुत सारे राज्यों में है, SSB का कैंप है, तो इन सभी के लिए होगा। या फिर केंद्रीय विद्यालय की बात करें, तो बहुत सारे लोग केंद्रीय विद्यालय में जॉब करते हैं, केंद्रीय विद्यालय लगभग भारत के हर राज्य में हैं, तो उनके लिए भी ये जो है जारी हो जाएगा BS सीरीज का नंबर प्लेट। इसको याद रखिए, बहुत काम की जानकारी है, एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जाएंगे तो आपके लिए ये काम आएगा। आप जब भी गाड़ी खरीदेगा तो वो BH सीरीज यानी कि भारत सीरीज की लीजिएगा नंबर उसमें। और आखिरी प्रश्न आज का है कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के दौरान लॉन्च किए गए भारत के पहले कृषि क्षेत्रीय सूचकांक का क्या नाम है? तो देखिए इस सूचकांक का नाम है गुआरेक्स और सोएडेक्स। देखिए नाम बहुत ज़बरदस्त है, नाम में ही काम छिपा हुआ है। देखिए जो गुआरेक्स है ये एक रिटर्न आधारित सूचकांक है, यानी कि रिटर्न बेस्ड इंडेक्स है, जो कि गुआर सीड और गुआर गम रिफाइंड के वायदा अनुबंध के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव पर जो है आधारित होगा। गुआर कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये गुआर की फलियां हैं। और देखिए इसी प्रकार जो आपका ये सोएडेक्स होगा, तो सोएडेक्स जो है ये सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल के वायदा अनुबंध में आने वाले उतार चढ़ाव पर आधारित होगा। यानी कि जो सोयाबीन है ये उस पर जो है नज़र रखेगा कि उसका क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो इंडेक्स में यही होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, फलाने ढिकाने हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो अभी उसको छोड़ दीजिए। अभी आपको याद रखना है कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड ने भी हाल ही में 2 कृषि क्षेत्रीय सूचकांक जारी किए हैं, गुआरेक्स और सोएडेक्स, ठीक है। तो गुआरेक्स में गुआर के बारे में डिटेल मिलेगी, इनके मूल्य में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, और सोएडेक्स में जो है सोयाबीन के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी कि इनके दामों में क्या उछाल हो रहा है या फिर क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं। देखिए आपको बता दूं ग्वार के बारे में, ग्वार की बात हो रही है, तो देखिए भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक देश है, जिसका उत्पादन 80 से 85% है, यानी कि पूरी दुनिया का 80 से 85% ग्वार जो है भारत उत्पादित करता है, और इस मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है भारत में। देखिए राजस्थान 80% बाजार हिस्सेदारी के साथ देश का शीर्ष उत्पादक है ग्वार का, और इस साल अब तक कुल 1.81 मिलियन हेक्टेयर में गुआर सीड की बुआई की गई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 2.25 मिलियन हेक्टेयर में हुई थी। और जो आपका नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड है, इसके बारे में बता दूं आपको, देखिए इसके CEO हैं वर्तमान में विजय कुमार वेंकट रमन, और इसकी स्थापना 15 दिसंबर 2003 को हुई थी, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, और बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर बताइए, नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आप लिखिए, नीति आयोग के द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021-22 में कौन सा जिला पहले स्थान पर है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस स्थान पर महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, बताइए। और चौथा प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया, बताइए। और पांचवा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने कोट डिलोइट के अभियान में 27वें UPU कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 2 प्रमुख निकायों की सदस्यता के लिए चुनाव जीता है, बताइए कौन सा देश है? इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में डिटेल में बताया था, तो उसको देख के आप रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सेक्शनों की। देखिए अपडेट का पहला प्रश्न था कि प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए ये शहर आपका दिल्ली है। और दूसरा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? तो
तो ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नाम का एक विशेष मिशन लॉन्च किया है, तो ये राज्य आपका महाराष्ट्र है। पांचवा था कि हाल ही में किस देश ने स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का परीक्षण किया है, तो इसका परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में किया गया है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।